नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत है एज्युकेशन एंड गुजराती चैनल पर। आज आप टॉपिक है धोरण 10 विषय हिंदी चैप्टर 18। नाम है रचना, साहित्य प्रकार है गद्य और लेखक है रघुवीर चौधरी। तम आप जो विभाग ए गद्य आधारित प्रश्न पहला है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें खाली जगह पहली है कि अविनाश ने गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने का वादा किया था। दूसरी है लंबे भाषण करने वाले के लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। खाली जगह तीसरी है श्रेष्ठ भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम अविनाश को सौंपा गया था। चौथा, गांव में राशन वितरण का काम सहकारी मंडली करता है। पाँचवीं, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। छठा, अच्छा भाषण देने वाले श्रोताओं को लुभा सकता है। सातवां है अविनाश के साथी पंचायत घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। आठवां है अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था। और नौवां है अविनाश ने पंचायत के मकान के नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था। दसवां है सदस्यों से जवाब न मिलने पर रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था, अविनाश। दूसरा है तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है, रमेश। तीसरा है ए सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है, यह वाक्य कौन कहता है, अविनाश। चौथा है हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, यह वाक्य कौन कहता है, गोपी। प्रश्न नंबर तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, प्रत्येक का एक अंक है। इसमें पहला है रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। दूसरे जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। तीसरा विकल्प है मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतरना ही प्यार और लगाव है जितना अपनी संतान से। प्रश्न नंबर चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें प्रश्न पहला है कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। कविता क्या है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है कि कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। प्रश्न दूसरा है रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्य का विरोध करते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है। उसका उत्तर है समझदार नवयुवक अविनाश के मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। प्रश्न चौथा है रमेश, निमेश और नरेश किस काम में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे। रमेश निमेश और नरेश ग्राम पंचायत के कार्यालय पर पत्थरबाजी करने में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे। प्रश्न पांचवा है निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके नेता अविनाश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न छ अविनाश ने आवेदन पत्र में क्या लिखा था। अविनाश ने आवेदन पत्र में पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा था। प्रश्न सातवा है अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से क्यों रोकता है। अविनाश साथियों को
पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से रोकता है क्योंकि पंचायत घर की रचना में उसका सदुपयोग होने से उससे वह अपनत्व महसूस करता है। प्रश्न आठवां है, अविनाश को पंचायत के मकान से क्यों लगाव था? अविनाश को पंचायत के मकान से लगाव था क्योंकि उसकी नींव रखते समय उसने स्वेच्छा से उसमें हाथ बटाया था। प्रश्न नौ, रमेश निमेश नरेश और अविनाश अनशन पर क्यों बैठे थे? रमेश निमेश नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि कई बार प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत के सदस्यों ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे। प्रश्न नंबर दसवां है, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है? अविनाश एक सुलझा हुआ और समझदार नवयुवक है। वह पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियम के अनुसार शालीन ढंग से कार्रवाई करने के लिए कहता है। आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य आना है। अविनाश के इस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा। प्रश्न नंबर पाँचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए। प्रत्येक के दो अंक हैं। उसमें पहला है कि गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे। खाद के विवरण में अनियमितता, गरीबों के लिए आए राशन की कालाबाजारी, पंचायत का घाटे में चलना आदि घोटालों का जवाब गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देते से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमल दिखाना चाहते थे? गांव के युवक रमेश नरेश निमेश अविनाश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए आ रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। अब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब न दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? उसका उत्तर है, पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा तो वे पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया, जिससे पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी दौड़े आए। प्रश्न नंबर चौथा है, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए गांव के युवकों ने किन किन साधनों का उपयोग किया? गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों में असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसा साधनों का उपयोग किया। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्य में लिखिए। प्रत्येक के तीन अंक हैं। उसमें पहला है, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? उसका उत्तर है, अविनाश एक समझदार युवक है। वह नियम अनुसार काम करने में विश्वास करता है। वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है। इसके नींव तैयार होने के समय वह उसमें जुड़ा रहा है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। प्रश्न दूसरा है, रचना एकांक से हमें क्या सीख मिलती है? आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और समर्पित का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती आ रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर सातवां है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का तीन अंक है। उसमें पहला है, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। इसका उत्तर है, भाषण देना एक कला है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय को श्रोताओं के समक्ष विस्तार से बताना होता है और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है।
जो लोग इस कला के में माहिर होते हैं उनके भाषण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रश्न का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। प्रश्न दूसरा है, कविता की आत्मा कला है, संवेदना का सौंदर्य है। कविता मात्र शब्दों का समूह न देकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसके भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। विभाग से व्याकरण आधारित प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द लिखें। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है कवि की रचना कविता, दूसरा जिसका विनाश न हो अविनाश, तीसरा है जिसमें शर्म न हो बेशर्म, चौथा है साथ साथ काम करना सहकार, पांचवा है रासायनिक खाद उर्वरक, छठा है पत्थर फेंकने की क्रिया पथराव, सातवा है राह देखना प्रतीक्षा, और आठवा है किसी राज्य या सरकार को उलटने के लिए किया गया उपद्रव विद्रोह, नौवा है पंचों की मंडली या सभा पंचायत, और दसवा है मवेशियों को रखने का स्थान पिंजरा पोल। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित संधि छोड़िए। प्रत्येक का एक अंक है। पहला है संतुलन सम प्लस तुलन, दूसरा है संकल्प सम प्लस कल्प, तीसरा है प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, चौथा संवेदना सम प्लस वेदना, पांचवा है पर्याप्त परि प्लस आप्त, छठा है अनशन अन प्लस अशन, सातवा है महोदय महा प्लस उदय, आठवा है सदुपयोग सत प्लस उपयोग। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित संधि को जोड़िए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है एक प्लस अंत एकांत, दूसरा है भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार, तीसरा है तिरह प्लस कार तिरस्कार, चौथा है रमा प्लस ईश रमेश, पांचवा है शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, छठा है निह प्लस देश निर्देश, सातवा है वीर प्लस उचित विरचित, और आठवा है निह प्लस लज निर्लज। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रत्येक का दो अंक है। उसमें पहला है कुंडली मारकर बैठना यानी स्थायी रूप से बैठना, इस बार बहुत बारिश हो रही है मानो बादल कुंडली मारकर बैठ गए हो। दूसरा प्रश्न है मुंह में मुंह डाले खुसर फुसर करना यानी बहुत धीरे से बात करना। वाक्य ही नए शिक्षक को देखकर विद्यार्थी मुंह में मुंह डाले खुसर फुसर करने लगे। तीसरा है नींद हराम कर देना यानी चैन से न सोने देना। वाक्य है नए दारोगा ने अपराधियों की नींव हराम कर दी है। चौथा है प्राणों की बाजी लगाना जान जोखिम में डालना। वाक्य है आज़ादी के लिए वीरों ने जान की बाजी लगा दी। पांचवा है हाथ बटाना यानी सहायता करना। वाक्य है विकास कार्य में सबको हाथ बटाना चाहिए। छठा है चैन से सोना यानी निश्चिंत होना। वाक्य है शादी का कार्यक्रम खत्म होते घरवाले चैन से सो गए। प्रश्न नंबर पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है प्रवेश यानी निर्गमन, दूसरा है वादा वादा खिलाफी, तीसरा है फायदा यानी नुकसान, चौथा है सौंदर्य कुरूपता, पांचवा है कोमल यानी कठोर, छठा है तिरस्कार यानी सत्कार, सातवा है प्यास यानी तृप्ति, आठवा है भ्रष्टाचार शिष्टाचार, नौवा है सहयोग असहयोग, और दसवा है आशावादी निराशावादी, ग्यारहवा है उम्मीद ना उम्मीदी, बारहवा है शिक्षित अशिक्षित, तेरहवा है पर्याप्त अपर्याप्त, चौदहवा है निर्णय अनिर्णय, पंद्रहवा है शिष्ट अशिष्ट, सोलहवा है ताकतवर कमजोर।
प्रश्न नंबर छठा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है, उसमें पहला है सवाल यानी अर्जी, जवाब समाधान, तीसरा है मवेशी यानी प्राणी, चौथा है शिष्ट यानी संस्कृत, पांचवा है कोशिश यानी चेष्टा, छठा है कार्यालय यानी दफ्तर, सातवा है पर्याप्त यानी काफ़ी, आठवा है बधाई अभिनंदन, नौवा है फालतू यानी व्यर्थ और दसवा है हुक्म यानी आज्ञा। प्रश्न नंबर सातवा है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है, उसमें पहला है बच्चा यानी बचपन, दूसरा है पढ़ना पढ़ाई, तीसरा है बढ़ाना बढ़ावा, चौथा है शिष्ट शिष्टता, पांचवा है जानना जानकारी, छठा है चालाक चालाकी, सातवा है बिगड़ना बिगाड़, आठवा है पत्थर पथराव, नौवा है पंडित पांडित्य, दसवा है रुकना रुकावट, ग्यारहवा है सदस्य सदस्यता, बारहवा है अपना अपनापन। प्रश्न नंबर आठवा है, निम्नलिखित शब्दों की एकर्थवाचक संज्ञा लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है, उसमें पहला है चौकी चौकीदार, वादा वादाखोर, निर्णय निर्णायक, कविता कवि, सलाह सलाहकार, प्रार्थना प्रार्थी, सातवा है आवेदन आवेदक, आठवा है लिखना लेखक, नौवा है वितरण वितरक, दसवा है निर्देश निर्देशक, ग्यारहवा है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी, बारहवा है अभिनय अभिनेता, तेरहवा है रचना रचयिता, चौदहवा है विद्रोह विद्रोही। प्रश्न नंबर नौवा है, निम्नलिखित समास को पहचानिए। प्रत्येक का एक अंक है, उसमें पहला है ग्राम पंचायत तत्पुरुष, बेशर बहुरीही, तीसरा है कार्यालय तत्पुरुष, चौथा है पंचायत द्विगु, पांचवा है नालायक बहुरीही, छठा है चौकीदार उपपद तत्पुरुष, सातवा है माता पिता द्वंद्व, आठवा है सुशिक्षित कर्मधार। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।